नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर गंगा बैराज पर अपनी दादी के दाह संस्कार करने आए दो सगे चचेरे तहेरे भाई गंगा में नहाते समय डूब गए। डूबे भाइयों की तलाश में गोताखोरों की टीम और पुलिस जुटी हुई है। गंगा में डूबे दोनों भाइयों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, वहीं दो परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट गया। दरअसल बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गंगा बैराज पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी दादी की मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने गए गंगा बैराज पर दो रिश्ते के भाई नहाते वक्त गंगा के गहरे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि चांदपुर की रहने वाली रामरती वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को गंगा बैराज पर ले गए थे। गंगा में स्नान करने गए मृतका के पोते नरदेव और सिद्धार्थ गंगा के गहरे पानी में डूब गए। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवकों की तलाश में जुटी हुई है। घंटों बीत जाने के बाद भी गंगा में डूबे युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहित कुमार है। मैं यहाँ बोट चलाता हूँ, गोताखोर भी हूँ। अच्छा, बताइए क्या सर। ये ढाई ढाई पौने तीन बजे के लगभग समथिंग की बात है। तीन बच्चे थे, मतलब पहले एक डूबा, उससे दूसरा बचाने गया, वो कुछ तैरना जानता था, फिर तीसरा गया, इसने हम पहुँचे हुआ, एक हमने मतलब बचा के बाहर भेज दिया, दो गए अंदर घुस गए, उन्हें पकड़ नहीं पाए। फिर हमने बोट से मतलब उन्हें ढूंढा, काफ़ी सारे लोग आए, 10-12 वे आए यहाँ के जो घाट पे रहते हैं गोताखोर, हमने सबने ढूंढा, लेकिन सफल मतलब सफल नहीं हो पाए। क्या लगता है, पानी तेज है, गहरा है? सर, पानी तो थोड़ा, सभी के कहने पे गोताखोरों के भी पुलिस के भी गेट बंद करवा दे तुरंत, मतलब 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद सब गलत कह रहे हो आप, कई घंटे के बाद में। चलो, ये गेट बंद करा है। नहीं नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये गेट बंद हो गए थे, मतलब जो हम गेट बंद अब करे, जो हमने पुलिस से कहा ये सामग्री चाहिए, वो उन्होंने थोड़ा बहुत ला के दिया हमें, बस मिल नहीं पाए अभी तक। कितनी देर हो गई अभी तक? सर, 3 बजे के समथिंग की बात है सर। नहीं मिल पाए, मैं खुद अभी मेहनत। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।